नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल केडिया। सब्सिडी देना देश की आर्थिक स्थिति के लिए हमेशा ही खराब होता है। सब्सिडी सरकारें राजनीतिक लाभ के लिए देती है, यानी निजी फायदे के लिए देती है, ना कि देश के भले के लिए। 2004 से लेकर 2014 तक देश में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार थी। इस सरकार ने हर साल पेट्रोल और डीजल पर भारी भरकम सब्सिडी दी, इतनी सब्सिडी कि देश पर लाखों करोड़ों का कर्ज आ गया। अगर आप आंकड़ों पर गौर करें तो मनमोहन सरकार ने कई साल तो 1.5 लाख करोड़ तक की सब्सिडी सिर्फ तेल पर दी। सब्सिडी का मतलब होता है सरकारी खजाने पर दबाव डालना। मनमोहन सरकार ने 2005 से लेकर 2014 तक भारी भरकम सब्सिडी दी। वहीं 2014 में देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और ये सरकार लगातार सब्सिडी कम कर रही है। पिछली सरकार ने जो कर्जे ले रखे हैं उन्हें चुकता किया जा रहा है और साल 2017 में तो मोदी सरकार ने सब्सिडी बहुत ही कम कर दी है। भारत अभी अपना पुराना ही कर्ज चुकता नहीं कर पाया। अब पुरानी सरकारें ने जो कर्ज ले रखी है उन्हें चुकाने के बाद ही भारत तेल की कीमतें कम कर पाएगा। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि मोदी सरकार के पास भी ये विकल्प है कि वो भी लाखों करोड़ों की सब्सिडी दे और देश को और कर्जे में डुबाए, पर बीजेपी की सरकार वोट बैंक की राजनीति नहीं करना चाहती, जैसे मनमोहन और सोनिया की सरकार ने देश को डुबाया। परंतु मोदी सरकार देश के हित में कार्य कर रही है। दोस्तों, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम दृढ़ता के साथ अपने सरकार के साथ बने रहें, उनके निर्णय का हम सम्मान करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोदी देश के लिए काम करता है। विपक्ष और बिकी हुई पत्रकारिता करने वाले डिजाइनर पत्रकार, इनको अपना एजेंडा चलाने दीजिए, पर आप हकीकत को जाने बिना बेकार में व्हाट्सएप या अदर सोशल मीडिया पर कुछ से कुछ बिना जाने बिना जानकारी के फॉरवर्ड या कुछ भी कॉपी पेस्ट मत कीजिए। आप पहले तथ्य को जानिए। क्या आपको पता है यूपीए की सरकार ने, यानी कांग्रेस की मिली हुई सरकार ने, जो पहले 10 साल मोदी सरकार से पहले जो 10 साल हमारे देश पर शासन कर रही थी, उसने ईरान से जो तेल उठाया था उसका पैसा चुकता नहीं किया था, सिर्फ तेल उठाया और सब्सिडी में देश में बांटा। आप जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। 6.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर का कर्ज था जिसे मोदी सरकार किस्तों में दे रही है। आप जरा सोचिए, 6.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर और उस पे इंटरेस्ट भी लग रहा है। जब मोदी सरकार ईरान से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी कच्चे तेल लाने गई तो ईरान ने कहा कि पहले अपना पिछला बकाया चुकता करो, फिर तेल मिलेगा। तो मोदी सरकार को पिछला बकाया भी किस्तों में देना पड़ रहा है और साथ ही साथ अभी जो तेल उठाया जा रहा है, अभी जो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल वहां से उठाया जा रहा है, उसके भी पैसे देने पड़ रहे हैं। तो पिछली सरकार को तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी थी, उसे तो लोगों को ठगना था। वो फ्री में वहां से उठाकर लाता है, देश को कर्जे में डालता है और लोगों को सब्सिडी में बांटता है। पर ये सरकार जो मौजूदा दौर में हमारे देश में है, ये तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। हम यानी देश की जनता को ये समझना चाहिए, हम अपने देश के साथ देश हित के लिए एक साथ होकर खड़े होने का वक्त है। आप खुद इस बात पर सोचिए, अपनी राय दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।